हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करूंगी इसे कोलियस बोलते हैं। कोलियस का बहुत सारा वैरायटी होता है और इसका बहुत सारा कलर में आता है। इसमें फूल तो निकलता है, देखिए इसमें फूल निकल रहा है, लेकिन इसका फूल का ज़रूरत ही नहीं है। ये खुद ही इसका पत्तियाँ इतना सुंदर होता है कि इसमें फूल की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही एक सुंदर पौधा है। इसका कई सारा वैरायटी है, मेरे पास एक फ़िलहाल दो वैरायटी का है, और आप इसे छोटे से छोटे गमले में लगा सकते हैं। मेरा प्लांट थोड़ा टॉल हो गया है, मैंने इसको प्रूनिंग थोड़ा कम की थी, लेकिन आप इसको जितना प्रूनिंग करेंगे उतना ज़्यादा ही बुशी बनता जाएगा। और इसके सॉइल का अगर बात करें तो सॉइल इसका वेल ड्रेन होना चाहिए। सारा हाउस प्लांट जैसा इसका भी सॉइल वेल ड्रेन होना चाहिए। इसमें कोकोपीट, कॉम्पोस्ट और सैंड मिला के सॉइल बनाना चाहिए इसका, ताकि ये ड्रेनेज अच्छे से हो जाए। और सनलाइट का अगर बात करें तो सनलाइट इसको सुबह सुबह का, अगर आप इंडोर रखते हैं तो सुबह सुबह का एक दो घंटे का धूप अगर इसको मिल जाए तो इसके लिए काफ़ी होता है। देखिए कितना, जितना अच्छा धूप में रहेगा इतना सुंदर उसका कलर खिलेगा। लेकिन आप अगर गर्मी के मौसम में ज़्यादा तेज़ धूप में इसको रखेंगे तो इसका पत्तियाँ धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। ये देखिए फ्रेंड, इधर से मैंने इसको कट किया था। इधर से कट करने के बाद देखिए मेरा और ब्रांचेस निकला है। तो आप एक जगह से अगर कट करेंगे तो दो दो ब्रांचेस निकलेगा और आपका प्लांट और ज़्यादा बुशी बनेगा। और आपका इसका कटिंग लगाना भी बहुत इजी होता है, आप बहुत इजीली इसका कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने ये कटिंग सिर्फ सैंड में लगा के रखे हैं, ये सैंड में है, मैंने कटिंग लगा के रखे हैं इसमें। तो मैं दिखा से आप इसका कटिंग को लगा सकते हैं। इसका कटिंग पानी में भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता है, लेकिन जब अगर पानी से आप निकल के इसको आप मिट्टी में रखेंगे तो ये ख़राब हो सकता है। तो मैं इसको हमेशा सैंड में या फिर मिट्टी में ही लगाती हूँ। तो मिट्टी में अगर आपको लगाना है तो आपको वही सेम सॉइल बना के कोकोपीट, कॉम्पोस्ट एंड सैंड मिला के बना के आपको मिट्टी में डालना है। फ़िलहाल मैं सैंड में लगा के आपको दिखाती हूँ आप सबको कि कैसे, और जो मेरा प्लांट सैंड में लगा हुआ है उसका भी मैं दिखाऊँगी कि वो कैसे ग्रो किया है, रूट कितना डेवलप हुआ है। और फ्रेंड एक और बात, ये जो फ्लावर इसका निकल रहा है ये फ्लावर को काट दीजिएगा, क्योंकि इसका फ्लावर उतना सुंदर होता नहीं, बेकार में एनर्जी लेता रहता है। और फ्लावर काट करने से आपका उधर से और दो ब्रांचेस निकलेगा। तो मैं इधर इस फ्लावर को कट कर दूंगी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इसका कटिंग कैसे लेना है। आपको कटिंग लेने के वक्त ध्यान रखना है, आप एकदम इतना पतला सा कटिंग लेंगे तो ये चलेगा नहीं। आपको थोड़ा अच्छा कटिंग लेना पड़ेगा, थोड़ा मोटा, जैसे कि ऐसे नीचे के तरफ थोड़ा मोटा कटिंग, जो स्टेम थोड़ा मोटा बन गया है उसका कटिंग लेना पड़ेगा तो ये सर्वाइव करेगा। एकदम छोटा सा ऐसे पतला कटिंग लेंगे आप तो ये अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं करेगा। तो चलिए कटिंग लेके आपको दिखाते हैं। कटिंग हमेशा 45 डिग्री एंगल में लेना चाहिए। तो फ्रेंड मैं इधर से कटिंग ले रही हूँ, ये देखिए इस तरह का कटिंग मैंने लिए हैं। नीचे का पत्ती सारा हटा देना है फिर इसको लगाना है, क्योंकि जितना पत्ती आप रखेंगे उतना एनर्जी लेगा, रूट डेवलप होने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये सारा बड़ा बड़ा पत्ती जो बड़ा बन गया है मैं सबको हटा दूंगी। कुछ पत्तियों को मैं रखने दूंगी ताकि फोटोसिंथेसिस होता रहे। मैं इसको सैंड में आज लगाऊंगी। और इसको लगाने से पहले मैंने जो सैंड में ऑलरेडी लगा के रखे हैं उसको उठा के देखते हैं उसका रूट कितना अच्छा डेवलप हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसको कटिंग ही लगाए थे,
ये देखिए मैंने इसको कटिंग लगाए थे, इसका रूट कितना अच्छा डेवलप हुआ है सिर्फ सैंड में ही, और नया ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुका है। सो फ्रेंड ये है सैंड, इसमें मैंने और भी सारा कटिंग लगा के रखे हैं स्नेक प्लांट का, इसी सैंड में ही मैं इसको डाल दूंगी। मेरा इसके अंदर एक दो नोट अंदर घुस चुका है, उसी से रूट डेवलप होगा, और मैं इसमें पानी डाल दूंगी। बस इसको कुछ दिनों शेड में रखिए, फिर धीरे धीरे इसको लाइट में निकालिए, और इसको मैं अब सॉइल में लगा दूंगी। इसका बहुत अच्छी तरीके से रूट डेवलप हो चुका है, तो मैं इसको सॉइल में लगा दूंगी। आप एक काम और भी कर सकते हैं, इधर से कट करके आप इसमें भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका प्लांट और ज़्यादा बुशी बनेगा। एक ही पॉट में लगाने से प्लांट और ज़्यादा बुशी बनेगा। लेकिन ये मेरा दूसरे वैरायटी का है, इसका पत्तियों का कलर और इसका ये दोनों अलग है, तो इसको मैं दूसरे पॉट में लगाऊंगी। दूसरे पॉट में लगा के इसको मैं ग्रो करूंगी। तो ये बहुत ही इजी होता है इसको लगाना, और बहुत ही खूबसूरत पौधा है। अगर एक साथ में आप बहुत सारे कलर की वैरायटी आप एक साथ में रखेंगे, तो आपके इंडोर गार्डन में फूलों की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ये प्लांट खुद ही फूलों का काम करता है। बस प्रूनिंग करते रहिए और इसको बुशी बनाते रहिए। तो फ्रेंड आज का वीडियो यही तक। अगर आप सबको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।